हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। टुडे इज संडे, आवर वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू रिवीजन डे, इन विच वी विल कवर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इन अ प्रिसाइज मैनर। सो लेट्स स्टार्ट आवर रिवीजन सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, राजनाथ सिंह अटेंड एससीओ डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2021 हेल्ड एट विच कंट्री। राजनाथ सिंह ने अटेंड किया था एससीओ डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव को 2021 का, ये आपका किस कंट्री में आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है चाइना, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तजाकिस्तान। जो डिफेंस मिनिस्टर पोजीशन को संभाल रहे भारत के राजनाथ सिंह, उन्होंने विजिट किया था दुशानबे जो कि कैपिटल है तजाकिस्तान का, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके एनुअल मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट के। ये जो है तजाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि 2021 में एससीओ का प्रेसिडेंसी जो है वो तजाकिस्तान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनएफएल एंड आरसीएफ साइन मूव विथ होम फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ नैनो यूरिया लिक्विड। एनएफएल और आरसीएफ ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को किनके साथ, ताकि वो ट्रांसफर कर सके टेक्नोलॉजी को नैनो यूरिया लिक्विड का। आपका ऑप्शन है नेस्कॉम, ऑप्शन बी आईसीआर, ऑप्शन सी इफको, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इफको। द नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल है और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड आरसीएफ है। इसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको के साथ, ताकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया जा सके फर्टिलाइजर नैनो यूरिया लिक्विड के लिए। ये जो मूव है ये इन्हेंस करेगा एडेप्टेबिलिटी को नैनो यूरिया के लिए फार्मर्स के द्वारा, और ये मदद करेगा उनको इंक्रीज करने में उनके सेविंग को फार्मर्स के और गवर्नमेंट के सब्सिडी को। नैनो यूरिया जो है इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है इफको के द्वारा। इंडिया जो है वो पहला कंट्री है जिसने ग्लोबली स्टार्ट किया है कमर्शियल प्रोडक्शन नैनो यूरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटेल लॉन्च एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विथ होम। इंटेल ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल इनिशिएटिव को पार्टनरशिप करके किसके साथ? आपका ऑप्शन है सीबीएसई, ऑप्शन बी सीडैक, ऑप्शन सी कैग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सीबीएसई। इंटेल ने कोलेबरेट किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के साथ, और मिलकर लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव को जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल अंडर इज एआई फॉर सिटीजन प्रोग्राम के अंतर्गत, ताकि क्रिएट किया जा सके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इंडियन पीपल का। इसका मकसद है कि ये इंट्रोड्यूस करे एआई को 1 मिलियन पीपल के लिए फर्स्ट ईयर ऑफ लॉन्च के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, कृषि करना प्रोजेक्ट लॉन्च इन विच स्टेट टू प्रमोट हाईटेक फार्मिंग। जो कृषि करना प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया किस स्टेट में, ताकि प्रमोट किया जा सके हाईटेक फार्मिंग को? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केरला। जो किसान करना प्रोजेक्ट है जो कि एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है स्टेट हैगरी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी सस्टेनेबल फाउंडेशन एंड कोर 3 इनोवेशन का, इसको लॉन्च किया गया है त्रिवनंतपुरम केरला पे, ताकि प्रमोट किया जा सके हाईटेक फार्मिंग को। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक मुनी पॉली हाउस जो कि एक टाइप है ग्रीन हाउस का, उसको सेटअप किया जाएगा 2.5 सेंट ऑफ लैंड पे, जिसका कॉस्ट जो है वो ₹2.35 लाख के अप्रोक्सीमेट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, गवर्नमेंट अपॉइंटेड होम एज 25th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है किनको 25th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पोस्ट में? आपका ऑप्शन है सोमा रॉय बर्मन, ऑप्शन बी दीपक दास, ऑप्शन सी दुष्यंत चौटाला, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दीपक दास। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अपॉइंट किया है दीपक दास को, जो कि 1986 बैच के इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर है 25th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के पोस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए। उन्होंने रिप्लेस किया है सोमा रॉय बर्मन को, जो कि 7th वुमेन सीएस थी जो कि होल्ड किस इस पोजिशन को December 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु एड्रेस सेकेंड इंडो यूएस सर्विस समिट ऑर्गेनाइज बाय इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। किसने एड्रेस किया है जो सेकेंड इंडो यूएस सर्विस समिट था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा? आपका ऑप्शन है नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पीयूष गोयल। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को संभाल रहे पीयूष गोयल, उन्होंने एड्रेस किया था सेकेंड इंडो यूएस सर्विस समिट को जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इस समिट के दौरान उन्होंने रिमार्क किया था 12-fold इंक्रीज इन सर्विसेज में एक्सपोर्ट का हुआ है इंडिया के वर्ल्ड में ओवर 20 इयर्स में, यानी इंडिया का जो एक्सपोर्ट था पहले $17 बिलियन का था 2001 से 2002 के दौरान, वो बढ़कर $205 बिलियन हो गया 2020-21 के टेन्यूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, विच स्टेट पुलिस सिक्योर फर्स्ट पोजिशन इन इंडिया अंडर सीसीटीएनएस। किस स्टेट के पुलिस ने सिक्योर किया पहले पोजिशन को इंडिया अंडर सीसीटीएनएस के? आपका ऑप्शन है गुजरात,
ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। जो हरियाणा पुलिस है जिन्होंने 100% मार्क के साथ सिक्योर किया पहले पोजीशन को इंडिया अंडर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS के लिए। गुजरात पुलिस ने सिक्योर किया है सेकंड पोजीशन को, जबकि हिमाचल प्रदेश ने सिक्योर किया है थर्ड पोजीशन को। ये तीनों ही पोजीशन आपको याद करना है, पहला हरियाणा है, सेकंड गुजरात है और तीसरा हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट सीएम लॉन्च हरित स्टोर स्कीम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया हरित स्टोर स्कीम को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यूथ का। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा को बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त जो इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत 2024 तक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर जो है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है हरित स्टोर स्कीम को। ये इनकरेज करेगा यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉन दी 2021 आइसनर अवार्ड। किसने जीता है 2021 का आइसनर अवार्ड को। आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए आनंद राधाकृष्णन, ऑप्शन बी ओमचेरी एनएन पिलाई, ऑप्शन सी सैयद उस्मान अजहर मोक्सी, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आनंद राधाकृष्णन। जो मुंबई बेस्ड इंडियन विजुअल आर्टिस्ट एंड इलुस्ट्रेटर है आनंद राधाकृष्णन, आनंद आरके, उन्होंने जीता है 2021 का आइसनर अवार्ड को बेस्ट पेंटर और मल्टीमीडिया आर्टिस्ट इंटीरियर आर्ट के लिए। उन्होंने शेयर किया इस अवार्ड को यूके बेस्ड कलरिस्ट जॉन पियर्सन के साथ, जो कि ब्लू इन ग्रीन एक ग्राफिक नॉवल जिसको ऑथर किया गया राम भी उसके साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु फॉर्म आई मेसा टू कंडक्ट सोशल ऑडिट ऑफ सोशल सेक्टर स्कीम। किसने फॉर्म किया है आई मेसा को ताकि कंडक्ट किया जा सके सोशल ऑडिट सोशल सेक्टर स्कीम का। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है इरदा, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन सी बार, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उन्होंने फॉर्मुलेट किया है कि स्कीम को इन्फॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवेल्युएशन एंड सोशल ऑडिट आई मेसा को फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। इस स्कीम के अंतर्गत सोशल ऑडिट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा सारे स्कीम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, जो कि स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु लॉन्च ईमेल प्रोटेक्टेड इनिशिएटिव टू मेक दिल्ली अ ग्लोबल सिटी बाई 2047। किसने लॉन्च किया है ईमेल प्रोटेक्टेड इनिशिएटिव को ताकि दिल्ली को एक ग्लोबल सिटी बनाया जा सके 2047 तक। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है अमित शाह, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल। जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने लॉन्च किया है ईमेल प्रोटेक्टेड इनिशिएटिव को ताकि फैसिलिटेट किया जा सके पार्टनरशिप को प्राइवेट सेक्टर CSR इनिशिएटिव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिलोट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि दिल्ली को एक ग्लोबल सिटी बनाया जा सके 2047 तक। जो विजन डॉक्यूमेंट है उसका एम है कि वो दिल्ली के पर कैपिटा इनकम को सिंगापुर के लेवल तक ले जाए। इसका मतलब होगा कि इंक्रीज करना होगा पर कैपिटा इनकम को 16 फोल्ड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC। किनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट में LIC का। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है मिनी आईपीएल, ऑप्शन बी विपिन आनंद, ऑप्शन सी MR कुमार, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। तो MR कुमार जो है वो LIC के चेयरमैन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डायरेक्टर के पोस्ट में किनको अपॉइंट किया गया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है मिनी आईपीएल। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अपॉइंट किया है मिनी आईपीएल को न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। वो सर्व करेंगी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट में लीगल डिपार्टमेंट के LIC ऑफ इंडिया के। उन्होंने इस चार्ज को संभाला है जो MD से LIC ऑफ इंडिया के विपिन आनंद को सक्सेस करते हुए, जो कि रिटायर हो चुके हैं जुलाई 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु सैंक्शन 112 मिलियन US डॉलर फॉर वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट इन झारखंड। किसने सैंक्शन किया है 112 मिलियन US डॉलर को वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए झारखंड का। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी ADB, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने सैंक्शन किया है लोन जिसका वर्थ जो है 112 मिलियन US डॉलर है। अगर आप इंडियन करेंसी में बात करें तो ये 831 करोड़ के इक्विवेलेंट है, ताकि फाइनेंस किया जा सके अर्बन वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को टार टाउन में। ये जो टार टाउन है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कौन सा है, रांची, हुसैनाबाद, झुमरी तलैया और मेदनी नगर झारखंड का। तो कौन कौन सा है, रांची, हुसैनाबाद, झुमरी तलैया और मेदनी नगर। ये जो है ADB का पहला अर्बन सेक्टर प्रोजेक्ट होगा झारखंड के लिए। जो टोटल कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट का वो 160 मिलियन US डॉलर है, जिसमें 48 मिलियन US डॉलर जो है वो फंड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री ज्वाइंट कम्युनिटी ऑफ पोर्टुगीज लैंग्वेज कंट्री एज एसोसिएट ऑब्जर्वर। किस कंट्री ने ज्वाइन किया है कम्युनिटी ऑफ पोर्टुगीज लैंग्वेज कंट्री को एसोसिएट ऑब्जर्वर के तौर पे। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल दी अबव।
तो 13 समिट हुआ था हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ कम्युनिटी ऑफ पोर्टुगीज लैंग्वेज कंट्री का, जो कि आपका अंगोला पर हुआ था। तो कहां पर हुआ था ये इंपॉर्टेंट होता है। इस समिट के दौरान इंडिया के साथ 9 कंट्रीज को अप्रूव किया गया कि वो ज्वाइन कर सकते हैं कम्युनिटी ऑफ पोर्टुगीज लैंग्वेज कंट्री को एसोसिएट ऑब्जर्वर के तौर पर। वो जो कंट्रीज थे वो कौन कौन से थे? कैनेडा, आइवरी कोस्ट, ग्रीस, आयरलैंड, पेरू, कतर, रोमानिया, स्पेन, यूएस और इंडिया। ये टोटल 10 कंट्री हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रिन्यू पावर साइन मोव विथ होम टू पावर इंडिया फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर विथ 100% रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यू पावर ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को किनके साथ, ताकि वो पावर कर सके इंडिया के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर को 100% रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी से। आपका ऑप्शन है रैंक बैंक, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रैक बैंक। जो रिन्यू पावर है उसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को रैक बैंक के साथ, रैक बैंक डाटा सेंटर लिमिटेड के साथ, ताकि वो पावर कर सके इंडिया के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर को 100% रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के साथ। ये जो है इंडिया का पहला ग्रीन डाटा सेंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु डेवलप इंडिया फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप फॉर उत्तराखंड। किसने डेवलप किया है इंडिया का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप को उत्तराखंड के लिए? आपका ऑप्शन है डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आईआईटी रुड़की। जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप को उत्तराखंड भूकंप अलर्ट, जो कि अलर्ट करेगा पीपल को ऑनसेट ऑफ अर्थक्वेक को लेके। ये जो ऐप है इसको डेवलप किया गया आईआईटी रुड़की के द्वारा। ये जो प्रोजेक्ट है इसको स्पॉन्सर किया गया उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु पार्टनर विद सीडब्ल्यूसी टू ऑफर स्टोरेज फैसिलिटी फॉर द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। किसने पार्टनरशिप किया है सीडब्ल्यूसी के साथ, ताकि वो ऑफर कर सके स्टोरेज फैसिलिटी को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए? आपके ऑप्शन है सिडबी, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नाबार्ड। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड है, उसने पार्टनरशिप किया है सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन सीडब्ल्यूसी के साथ नेप फाउंडेशन के माध्यम से, ताकि वो ऑफर कर सके स्टोरेज फैसिलिटी को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोअर रेट में नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव है कि यह इन्हेंस करे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हु लॉन्चेस क्वेस्ट स्टडी टू अपग्रेड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया। किसने लॉन्च किया क्वेस्ट स्टडी को, ताकि अपग्रेड किया जा सके क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम का इंडिया में? आपका ऑप्शन है नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इसरो। तो डॉक्टर के सिवन, जो कि चेयरमैन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के, उन्होंने फॉर्मली इनॉग्रेट किया है हेल्थ क्वेस्ट स्टडी, हेल्थ क्वालिटी अपग्रेडेशन इनेबल्ड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ इसरो, ताकि अपग्रेड किया जा सके हेल्थ केयर सिस्टम स्टैंडर्ड को भारत में इसरो के क्वालिटी स्टैंडर्ड और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु साइन मोव विद यूपीईडा टू इन्वेस्ट इन यूपी डिफेंस कॉरिडोर। किसने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को यूपीईडा के साथ, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में? आपका ऑप्शन है भेल, ऑप्शन बी एचएल, ऑप्शन सी बीडीएल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बीडीएल। तो भारत डायनेमिक लिमिटेड है बीडीएल, इसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीईडा के साथ, ताकि इस्टेब्लिश कर सके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, जो कि कंस्ट्रक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट सीएम लॉन्च इंडिया फर्स्ट डोर स्टेप हेल्थ केयर स्कीम। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला डोर स्टेप हेल्थ केयर स्कीम को? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। इंडिया का पहला जो स्टेट है वो तमिलनाडु बन गया है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन, उन्होंने लॉन्च किया है मकाली तेरी मरुतम स्कीम को। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मकाली तेरी मरुतम स्कीम को किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, तो तमिलनाडु में एमके स्टालिन के द्वारा। ये हेल्थ केयर सर्विस को पीपल के डोर स्टेप में प्रोवाइड करेगा। किशनगिरी में इसको लॉन्च किया गया है, ताकि ये डिलीवर कर सके मेडिकल सर्विसेज को पीपल के डोर स्टेप में, और तमिलनाडु इस कारण पहला स्टेट बन गया जिसने ये स्टेप लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर के पोस्ट में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का? आपका ऑप्शन है धीती बैनर्जी, ऑप्शन बी डॉक्टर कैलाश चंद्रा, ऑप्शन सी मीरा मानसुखानी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धीती बैनर्जी। जो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया प्रपोजल को अपॉइंटमेंट को लेकर धीती बैनर्जी का डायरेक्टर के पोस्ट में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। वो जो है पहली वुमेन डायरेक्टर बनी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 100 ईयर में। धीती बैनर्जी सक्सेस कर रही है डॉक्टर कैलाश चंद्रिया को, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 100 ईयर्स में पहली वुमेन डायरेक्टर बनी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की धीती बैनर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इंडिया फर्स्ट वाटर विला विल बी सेटअप इन विच स्टेट और यूटी। इंडिया का जो पहला वाटर विला है इसको सेटअप किया जा रहा है किस स्टेट या यूटी पे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। पहली बार इंडिया में जो वाटर विला है उसको सेटअप किया जा रहा है यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप में, जिसके लिए बजट रखा गया है ₹800 करोड़ का। ये जो वाटर विला है वो सिमिलर होगा मालदीव्स के जैसे, यहाँ पर सोलर पावर और इको फ्रेंडली फैसिलिटी को उपयोग किया जाएगा ताकि प्रोवाइड किया जा सके वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसरो एंड हुम ज्वाइंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट निसार प्रपोज टू बी लॉन्च अर्ली 2023। इसरो और किसका ज्वाइंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट है निसार जिसको प्रपोज किया गया है कि लॉन्च किया जाएगा अर्ली 2023 में। आपका ऑप्शन है जक्सा, ऑप्शन बी CNSS, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नासा। जो अर्थ साइंस मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उन्होंने स्टेट किया है कि जो प्रपोज लॉन्च होगा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रिडार निसार का वो अर्ली 2023 में किया जाएगा। निसार जो है ये ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यूएस स्पेस एजेंसी नासा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ग्लोबल ऑब्जर्वेशन के लिए ओवरऑल लैंड मासेज का, जिसमें कि पोलर क्रायोस्फीयर और इंडियन ओशियन रीजन भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट गवर्नमेंट वॉन डी नेस्कॉम AI गेम चेंजर अवार्ड 2021। किस स्टेट के गवर्नमेंट ने जीता है नेस्कॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड 2021 का। आपका ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है तेलंगाना। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का, उसने जीता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड 2021 का, क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था क्राउड मॉनिटरिंग को यूज करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कीम का। जो विनर है इस अवार्ड के उनको अनाउंस किया जाएगा एक्सपीरियंस AI समिट 2021 के दौरान, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नेस्कॉम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन दिस सेकंड एडिशन ऑफ COVID-19 इनोवेशन रिपोर्ट 2021 विच कंट्री टॉप द रैंकिंग। जो सेकंड एडिशन है COVID-19 इनोवेशन रिपोर्ट 2021 का, इसमें कौन सा कंट्री टॉप किया रैंकिंग में। आपका ऑप्शन है यूएस, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है यूएस। जो सेकंड एडिशन है COVID-19 इनोवेशन रिपोर्ट 2021 का, इसको रिलीज किया गया है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा इन एसोसिएशन विद हेल्थ इनोवेशन एक्सचेंज और UNAIDS के साथ मिलकर। तो किसके द्वारा रिलीज किया गया है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें इंडिया का रैंक 32nd है, इंडिया का स्कोर 0.396 है ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन रैंकिंग में। यूएस ने टॉप किया है इस रैंकिंग में, उसके बाद इसराइल है, देन आपका कनाडा है थर्ड पोजिशन में, और इंडिया का रैंकिंग इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अपने कंट्री का रैंकिंग पता होना चाहिए। तो इंडिया का 32nd रैंकिंग है। दैट्स ऑल फॉर वीकली करंट MCQ रिवीजन सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।